हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। आज हम लेकर आए हैं आपको जीके का टेस्ट नंबर 18 यानी 18। जीके का हर रोज शाम को 7 बजे आपके लिए टेस्ट आता है और उसमें आज हम 18वें टेस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके ठीक निकलते हैं, कहां पर आपको डाउट है। बहुत से क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके डाउट्स और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कहने का मतलब है कि आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था। आर्थिक निष्कासन दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ इकोनॉमिकल ड्रेनेज बोलते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत था जो भारत से पैसे को इंग्लैंड की तरफ जो ट्रांसफर या प्लान हो रहा था उसको दर्शाता है। इसके संस्थापक में आपको देखना है एस एन बनर्जी थे, आर सी दत्त थे, मदन मोहन मालवीय थे या दादा भाई नरोजी थे। इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो दादा भाई नरोजी रहेगा। दादा भाई नरोजी ने आर्थिक निष्कासन यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इकोनॉमिकल ड्रेनेज का सिद्धांत दिया, जिसमें अंग्रेज जो है वो भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर ले जाते थे और तैयार माल को महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे दोनों ही सूरतों में भारत को नुकसान और इंग्लैंड को प्रॉफिट होता था। यह सिद्धांत था इकोनॉमिकल ड्रेनेज वाला, इसे आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। जो अनब्रिटिश रूल वाला जो बुक दादाभाई नरोजी जी का था उसमें इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। एक और चीज मैं बताऊं, दादाभाई नरोजी पहला व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम की थ्योरी दी थी। फर्स्ट इंडियन हु गेव द डाटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वाज दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ दादा भाई नरोजी फर्स्ट इंडियन था जो इंग्लैंड में कॉमन हाउस का मेंबर भी बना था। कॉमन हाउस की इंग्लैंड में वही वैल्यू है जो भारत में लोकसभा की है। तो ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन मैंने ये एक दिया था लेकिन इसके साथ साथ ये 5-6 क्वेश्चन और मैंने डिस्कस किए हैं, ताकि हो सकता है आज हम प्रैक्टिस में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आगे एग्जाम में हो सकता है कि इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना इनको। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा है। मेलकम जुड़ा, मेटकॉफ जुड़ा, मुनरो जुड़ा या फिर एल्फिंस्टन जुड़ा। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ लॉर्ड मुनरो का संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थाई बंदोबस्त भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई। स्थाई बंदोबस्त जो भूमि व्यवस्था है वो कौन से क्षेत्रों में लागू हुई, जिसमें बंगाल के पूरे क्षेत्र आ जाते हैं और बनारस के जमींदारों के क्षेत्र इसमें आ जाते हैं, तो ये एरिया आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 24, रैयतवाड़ी प्रथा लागू की थी संयुक्त प्रांत में, असम क्षेत्र में, मुंबई और मद्रास में या पश्चिमी उत्तर प्रांतों के अंदर, पश्चिमी और उत्तर प्रांतों में। लेकिन यहां दोस्तों इस क्वेश्चन में तो आपको जो आंसर है वो असम क्षेत्र को दर्शाया गया है, लेकिन इसको सच्चाई ये भी है कि मुंबई के अंदर, मद्रास के अंदर, असम के अंदर, इन सभी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था। शुरुआत मुंबई और मद्रास से हुई और बाद में असम क्षेत्र में भी लागू किया गया। दोनों अगर इस तरीके का क्वेश्चन है फिर तो आपका आंसर रहेगा असम, और अगर ये दोनों दे करके ऑप्शन में दे देता है बी और सी या फिर ए बी में इनको रख करके ए बी और ए बी नहीं देता है तो दोनों आंसर आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विटले कमीशन का संबंध किससे था। विटले कमीशन का संबंध दोस्तों श्रम से था, लेबर से था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहां बनाया गया। प्रथम वाणिज्यिक बैंक को कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू किया गया था या कहां से आरंभ हुआ था, आपका आंसर मेरठ होगा। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था। नाना साहब को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था।
1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। हालांकि कई सारे नेता इस आक्रांति के अंदर थे, लेकिन सबका कोई सर्वमान्य नेता ना होना, वैसे कहने के लिए तो बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था, लेकिन झांसी की जनता झांसी रानी को नेता मानती थी, कानपुर के लोग नाना साहब को मानते थे, बिहार जगदीशपुर के लोग कुंवर सिंह को मानते थे, लखनऊ की जनता बेगम हजरत महल को मानती थी, तो इसलिए कोई सर्वमान्य नेता और संगठन का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? यहां आपका आंसर ए रहेगा, 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत। इससे सबसे पहला काम तो यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत में समाप्त हो गया और भारत सीधा इंग्लैंड की महारानी यानी इंग्लैंड के क्राउन और ताज के अंडर में आ गया। महाराणा विक्टोरिया के समय यह एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? गोद लेने के नियम, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह, नवाबों की पेंशन बंद करना। तो ये जो मेन जिसको तात्कालिक कारण कहते हैं, बर्निंग पॉइंट जो उस समय बना, इश्यू बना, वो कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह थी। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल नील ने दबाया, ह्यूरोज ने, आउटरम ने, या फिर सीले ने? यहां झांसी के विद्रोह की बात की जा रही है। झांसी का विद्रोह दबाने वाले ह्यूरोज थे, जिसका महारानी से साथ युद्ध भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? रुहेलखंड में कौन था? हसन खान था, खान बहादुर खान था, लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब था? यहां आपका आंसर होगा खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 34, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? आनंद मठ, वंदे मातरम, गोदान, या फिर निर्मला? यहां आपको देखना है सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है वो आनंद मठ के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, सूची करनी है, मिलान करना है, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला, मंगल पांडे, जीनत महल, कौन कौन कहां कहां से था ये आपको एक बार देखना है ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपको इसको मैच कर देता हूं, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे। अब आप देखिए कुंवर सिंह का संबंध अगर बिहार से होता है तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर शूट करेगा? यहां पर आपके पास जो ऑप्शन हैं वो यहां से आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहां से आपको शुरुआत करना है, क्योंकि सबसे पहले कुंवर सिंह है तो यहां दो रहेगा, तो जहां पर दो से शुरुआत होगी वही आपका होगा, बाकी में कहीं भी यहां पर भी है बट यहां पर आगे जाकर आपका क्वेश्चन पलट जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? एस एन सेन थे, आर सी मजुमदार थे, वी डी सावरकर थे, या एस बी चौधरी थे? यहां आपका आंसर रहेगा वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने ही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब लिखी। क्वेश्चन नंबर 37, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने वाला एक्ट कौन सा था? 1813 का चार्टर एक्ट। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत दोस्तों कौन से एक्ट के द्वारा लागू किया गया? आपका 1935 का अधिनियम रहेगा। तो यहां भी आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना रहेगा। उसके बाद है प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में, 57 में, 73 में, या फिर 1900 के अंदर? प्रशासनिक सेवाओं का जो प्रारंभ है वो 1853 से हुआ। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 84 के पीट्स एक्ट से, 93 के चार्टर एक्ट से, या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा? दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन था आपका 40वां, यानी आज के हिसाब से 20वां, जो इसमें आपका लेक्चर नंबर जो टेस्ट सीरीज नंबर जो 18 है उसमें आज का लास्ट था। उसके साथ अगर एनवीएस, केवीएस, एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो इस नंबर पे कॉल करके स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजकर भी मटेरियल मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल किताबें पूरी हैं तो आप लोग सिर्फ हमारे साथ जुड़कर मेहनत भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने अपना नाम और आप किस सब्जेक्ट के साथ या कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही है, ये दोनों चीजें आप लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपके नंबर को सेव कर लिया जाएगा। डे टू डे की जो स्टडी मटेरियल होता है, जो जानकारी होती है, अपडेट्स होती हैं, वो आपको दी जाएंगी, ताकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की स्टडी अच्छी हो जाए। जिनकी स्टडी अच्छी होगी सिलेक्शन ऑब्वियसली उन्हीं का होगा, तो मेहनत में जुट जाइए, टाइम बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं एग्जाम्स के। धन्यवाद, शुभकामनाएं।